हेलो गाइस, हम आ चुके हैं आज के एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। आज हम बताएंगे कि आप PS2 कैसे जुड़ सकते हैं घर में बैठे बैठे। इस मॉडल का नाम है SCPH90004। इस मॉडल में हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे पेन ड्राइव और CD के थ्रू इसमें गेम खेलते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें इसे कनेक्ट करने के। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने केबल्स के ऊपर। ये रहा AB केबल, देख लीजिए इसका पिन इस टाइप का होता है। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। और ये रहा हमारा मेन इलेक्ट्रिक सॉकेट का कनेक्शन, तो इसे भी साइड में रख लेते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि ये तो हमारा कंट्रोलर है PS2 का, तो इसी के थ्रू हम खेलते हैं गेम्स। तो गाइज, हम आ चुके हैं इस टॉपिक में कि अब इसे जोड़ते कैसे हैं। तो इसके पीछे साइड आ जाइए और ये अपना इलेक्ट्रिक सॉकेट का ये पिन रहता है, इसे आप इस जगह में डाल दीजिए बस। और AB केबल लीजिए, AB केबल लीजिए, इसका ऐसा पार्ट है उसे नीचे साइड करके डालिएगा और पुश कर दीजिएगा जोर से। तो अब आते हैं हम कंट्रोलर और मेमोरी कार्ड्स और पेन ड्राइव के ऊपर। ये रहा हमारा 8 MB का मेमोरी कार्ड जो PlayStation के साथ ही मिला, तो इसे हम इस जगह में डालते हैं। और ये पेन ड्राइव तो आपको दिख ही रहा होगा, USB पोर्ट उसमें डाल दीजिए। और ये रहा हमारा कंट्रोलर, तो कंट्रोलर को ऐसे और यहाँ डाल दीजिए। आपके पास एक्स्ट्रा कंट्रोलर है तो इसे, और हमारे पास एक्स्ट्रा है तो आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे डालते हैं। तो ये तो सब डल चुका है। चलिए अब हम इसको कनेक्ट करते हैं TV से। तो गाइस, आप बताते हैं कि AB केबल कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब इस चीज़ को इसको कैसे डाल सकते हैं। या आउटपुट में मान लीजिए आप एक्स्ट्रा स्पीकर्स डाल रहे हैं TV में, मतलब कम आवाज़ आ रहा है तो आप एक्स्ट्रा लाउड सुनना चाहते हैं तो इसमें डाल दीजिए स्पीकर्स के पिन। और डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कुछ भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसमें डाल दीजिए। अब देखिए, मैं येल्लो का येल्लो में डाल रहा हूँ और वाइट का वाइट में, और रेड ऐसे ही कहीं भी डाल सकते हैं आप। और आप चलते हैं हम अपनी गेम प्ले की, और आप गेम प्ले दिखाते हैं आपको हम। तो गाइस, हम जोड़ चुके हैं अपने PS2 को सॉकेट्स में, अब तो चालू करते हैं। चलिए, ऑन हो गया। तो देख सकते हैं आप, यहाँ TV में लाइट जल चुका है और यहाँ हमारे PS में भी लाइट जल चुका है। तो इसके थ्रू अब चालू करेंगे हम PS को। ग्रीन लाइट चलना चालू हो चुका है अब। तो देखिए, चालू हो रहा है धीरे धीरे। अब देखिए, PS चालू हो चुका है हमारा। तब एक छोटा सा गेम प्ले दिखा देते हैं। अब हम इसके थ्रू नीचे जाएंगे, इसके थ्रू जाएंगे, और तो हम अब आर्मर रिजर्व खेलने वाले हैं। तो गाइस, आपको गेम प्ले कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को चिप दीजिए, और बगल में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिए, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।